नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और आज खबर विशेष की बारी और खबर विशेष में बात बिहार में संचालित कोचिंग संस्थानों पर करेंगे हम। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ, उस हादसे को पूरा देश कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि हादसे में उन छात्रों की जान गई जो दिन रात एक कर पढ़ाई करने में लगे थे। लेकिन आखिरकार उनके मौत का जिम्मेवार कौन होगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं घटे ये मंशा किसी की है क्या? बेसमेंट के अंदर पानी का भर जाना और पानी उस बेसमेंट में जहां पर कोचिंग संस्थान चलता था, यूपीएससी की तैयारी, कितनी कठिन परीक्षा होती है यूपीएससी की, कितनी कठिन परीक्षा होती है। और यूपीएससी की तैयारी जो छात्र करने जाते हैं, वो छात्र ही जानते हैं कि कितनी दिन रात एक कर पढ़ाई करनी होती है परीक्षा पास करने के लिए। लेकिन बेसमेंट के अंदर अनधिकृत रूप से, अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान जो लोग भी चला रहे हैं, अब भी उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो ये कार्रवाई कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली की तो तस्वीर आपने देख ली है, दिल्ली की घटना से तो आप वाकिफ हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में एमसीडी के तमाम जो पार्षद हैं वो आपके, और एमसीडी के अधिकारियों पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जो घटना घटी है उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही किसी को तो देना होगा। मैं बात बिहार की करूंगा। बिहार में जिस तरीके से शिक्षण कार्य को लेकर हजारों नहीं आप लाखों कह लीजिए कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं, आखिर उन कोचिंग संस्थानों में मानकों का कितना ध्यान रखा जा रहा है? दोस्तों, बिहार के होनहार छात्र आखिरकार क्या वो भी अपने भविष्य को दांव पर लगाकर सरकारी नौकरी के लिए, कोई दरोगा बनने के लिए, कोई मास्टर बनने के लिए, कोई कर्मचारी बनने के लिए, कोई डीएसपी बनने के लिए, कोई एसडीओ बनने के लिए जान की बाजी लगाकर पढ़ाई करता? दिल्ली की घटना से क्या बिहार के शिक्षकों ने कोई सबक नहीं ली? और ये बातें तब मैं इस वजह से पूछ रहा हूं कि बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के कोने कोने में जो शिक्षण संस्थान चलते हैं वहां पर छात्रों की भारी भीड़ होती है और उन कोचिंग संस्थान वालों ने तो देश भर की बात कर लीजिए, बिहार तो छोड़िए, मानकों का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा है। तो इसका जिम्मेवार और गुनाहगार कौन होगा? आज देश के कई हिस्सों में, यूपी हो, बिहार हो, जगह जगह तो छापेमारी चल रही है कोचिंग संस्थानों पर, लेकिन क्या पहले इस तरीके की कोई कार्रवाई की गई? क्या ये जो सरकारें हैं वो सरकारें, चाहे किसी दल की सरकार किसी राज्य में हो, इससे कोई मतलब नहीं, जेडीयू की कहीं हो, बीजेपी की कहीं हो, आम आदमी पार्टी की कहीं हो, कांग्रेस की कहीं हो, क्या इन सरकारों ने पहले ऐसी तत्परता दिखाई थी क्या? बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में पटना वाले खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर ताला लगा, बिहार में कई कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और खान सर जैसे शिक्षक, मैं खान सर की बात इस वजह से कर रहा हूं कि खान सर को फॉलो करने वाले लोग पूरे दुनिया भर में है, क्योंकि सोशल मीडिया पर देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में खान सर है। तो खान सर जिन्हें देश भर के लोग फॉलो कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग फॉलो कर रहे हैं, बिहार से तो भाई छात्रों की इतनी भीड़ होती है खान सर के कोचिंग संस्थान में,
की सामने सबके सब फेल हैं और विरोधी खेमे पर तो खुद खानसर आरोप लगा चुके हैं कि छात्रों की भीड़ को देखते हुए उनके विरोधियों ने उनके ऊपर बम तक चलवा दी कोचिंग संस्थान पर। तो खान सर के यहां जब छापेमारी हुई, खान सर के आप ये कहिए छापेमारी कहिए या औचक निरीक्षण कहिए, जब औचक निरीक्षण हुआ तो फिर वहां खामियां मिली। तो जिस खान सर के यहां दारोगा बनने की तैयारी होती है, एसएससी की तैयारी होती है, बीपीएससी की तैयारी होती है, वहां से जो शिक्षक बन के निकलेंगे, वहां से जो दारोगा बन के निकलेंगे, जो सीओ बीडीओ डीवाईएसपी बन के निकलेंगे, क्या वो भविष्य में ये संदेश और संकेत देंगे कि हमारे गुरुओं ने ही मानकों का ख्याल नहीं रखा? और ये सवाल ऐसे ही नहीं है, खान सर के कोचिंग में छात्रों की इतनी भीड़ होती है जितना बिहार में किसी कोचिंग संस्थान में नहीं होता, किसी कोचिंग संस्थान में नहीं। लेकिन आपने पटना के एडीएम को सुना होगा, पटना के एडीएम ने बारीकी से अपनी बातों में यह कहा कि फायर एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया है। जरा सोचिए कि फायर एंड सेफ्टी का ख्याल पटना वाले खान सर नहीं रख सकते तो बिहार में कितने लोग रखते होंगे। जो कोचिंग संस्थानों के निबंधन से जुड़ी जो दस्तावेज मांगे गए हैं, जाहिर सी बात है खान सर के पास वो दस्तावेज है, क्योंकि खान जीएस रिसर्च सेंटर बिना दस्तावेजों का इतना बड़े आधार पर नहीं चल रहा, कोई ना कोई आधार है। पटना के डीएम ने समय दिया, पटना के एडीएम ने समय दिया, मीटिंग हुई। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से छात्रों की भीड़ है, अगर वहां कुछ भी अफरा तफरी का माहौल हो जाए तो क्या जिम्मेवारी उन शिक्षकों की बनेगी जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे, या फिर तमाम शिक्षक उसी तरीके से जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ लेंगे जैसे देश की राजधानी में घटना हुई तो झाड़ लिया। बिहार में तो कहने को कहा जाता है कि कोचिंग माफियाओं का भी नेक्सस है, क्या कोचिंग माफियाओं के नेक्सस को भी तोड़ने की जरूरत नहीं है? क्या आखिरकार एक खान सर बड़े शिक्षक के तौर पर नजर आते हैं और उनके यहां जो है औचक निरीक्षण होता है, एक ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है कोई वहां पर निरीक्षण होता है, इस तरीके के बिहार में तो लाखों कोचिंग शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, आखिरकार बारीकी से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये कार्रवाई के लिए सरकार इतने दिनों तक इंतजार किसका कर रही थी? क्या बिहार की सरकार, यूपी की सरकार, दिल्ली की सरकार, तमाम सरकारें आज ये बातें स्वीकार रही है कि भाई साहब हमें हादसे का इंतजार था, देश की राजधानी दिल्ली में हो या फिर बिहार की राजधानी पटना में हो, यूपी की राजधानी लखनऊ में हो, कहीं कोई हादसा तो हो, कोई छात्र मरे तो, ताकि हम अपनी संवेदना के साथ साथ उस पर सियासत की रोटियां सेक सके और तब कार्रवाई की बात हो, क्यों इतनी डिले की गई? बिहार में क्या यह चेक किया गया कि बिहार में जितने कोचिंग संस्थान चलते हैं वो वैध रूप से चल रहे हैं या फिर अवैध रूप से चल रहे हैं? क्या उन लोगों ने मानकों का पूरा ख्याल रखा है? क्या बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण मानकों के अनुरूप किया गया है? क्या फायर एंड सेफ्टी की व्यवस्था है? क्या तमाम कोचिंग संस्थानों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है? क्या कोचिंग संस्थानों के अंदर जो छात्र इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, अगर आपात स्थिति हो तो एग्जिट का द्वार है? इसकी जांच आखिरकार पूरे बिहार स्तर पर सरकार आदेश तो कर रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने तमाम जिला अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया है कि कोचिंगों की आज तलाशी कराइए, लेकिन आप उन चीजों की भी क्यों नहीं ख्याल रखते जो कोचिंग पिछले इतने सालों से चल रही है? आपने आखिरकार क्यों इतनी देरी की यहां तक पहुंचने में, जांच के दायरे को आगे ले जाने में? क्या बिहार की सरकार को भी दिल्ली में हादसे का इंतजार था? कोचिंग के नाम पर छात्र जो है वो पढ़ने जाते हैं और वहां पर जिस तरीके का ट्रीटमेंट झेलते हैं, जिस तरीके की कठिनाई और कष्ट होती है, छात्र जीवन तो कष्टमय होता है लेकिन यकीन मानिए जो सिस्टम है वो सिस्टम कष्ट नहीं देता, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेवार अधिकारी, सिस्टम में बैठे जिम्मेवार लोग
छात्रों को कष्ट देते हैं, छात्र को जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोचिंग संस्थानों में भीड़ की एक लिमिटेशन है तो फिर आखिरकार उस लिमिट को क्रॉस क्यों किया जाता। बिहार की सरकार की कार्रवाई हालांकि शुरू हो गई, देखना होगा कितने कोचिंग वाले जद में आते हैं, कितने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होती है। आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइएगा। धन्यवाद।